ही यम्मी बनता है ये, बहुत जल्दी बनाने वाली चीज है। सो ये मैंने चिकन बॉईल कर लिया है और बॉईल करते वक्त मैंने चिकन में डाला था ये इतने टुकड़े लहसुन के और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च। इसके साथ साथ जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो है ये, एक मीडियम साइज का अनियन मैंने स्लाइस कर लिया है, आप चाहे तो छोटा भी चॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, स्लाइस थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और ये हाफ मीडियम साइज की कैप्सिकम है और ये थोड़ा सा गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है। इसमें से हम एक टीस्पून या डेढ़ टीस्पून अपने फ्लेवर के हिसाब से डालेंगे। सॉल्ट यूज करेंगे और बहुत सी चीजें यूज करेंगे जो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलिव ऑयल ही यूज कर रही हूँ। ऑयल में हम प्याज, कैप्सिकम और लहसुन ये तीनों डाल के सौते करेंगे, उसके बाद आगे चिकन श्रेड करके चिकन डालेंगे। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से सौते करेंगे, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे, हमें इसे बिल्कुल भी ज्यादा भूनना नहीं है और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। तब तक जो चिकन हमने बॉईल किया था उसको इसे हाथ से छोटा छोटा श्रेड कर देंगे। इसमें ये श्रेडेड चिकन डाल दूंगी और इस चिकन को थोड़ा अच्छे से सौते करेंगे। इस स्टेप का मेन रीजन है कि अगर चिकन को बॉईल करने के बाद उसमें कोई हीक हुए अजीब सी स्मेल रह गई है तो वो रोस्ट करने से सारी की सारी स्मेल चली जाए और इसमें कैप्सिकम और जो शिमला मिर्च है उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो इसलिए हम इसे थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इस रेसिपी में नमक बिल्कुल आखिर में डले। तो ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा चिकन है वो एकदम अच्छे से रोस्ट हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन भी हो गया, तो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल वो जो बॉइल्ड चिकन की खुशबू होती है वो पूरी तरह से जा चुकी है। देखिए अब इस वक्त पे मैं इसमें डालूंगी बारबेक्यू सॉस, मैं वीबा कंपनी की यूज कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं या आप सोया सॉस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एकदम डिफरेंट फ्लेवर देना है तो आप जो पिज्जा पास्ता सॉस आती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर फिर ये नहीं होगा, वो फ्लेवर पूरा चेंज हो जाएगा। सो ये हम डालेंगे। तो ये देखिए इस वक्त सॉस जो है वो पूरी मिक्स हो गई है, मुझे बेसिकली सॉस इतनी डालनी है कि वो हल्का ज्यादा गीला हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी और डाल रही हूँ। तो ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, तो आप ऐसे डालिएगा कि ये वैसे थोड़ा सा देखिए जैसे वो थिक पेस्ट टाइप होता है। दैट्स इट, यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। सॉल्ट मैंने अब तक इसमें नहीं डाला है, अगर आप गौर करेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मेयोनीज और फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितना सॉल्ट डालना है। ठीक है, चीज चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी चीज ग्रेट करके डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा वो मेल्ट हो जाएगी और जब आप इसे तोड़ के खाएंगे तो बहुत यम्मी लगेगा। सो मैंने बहुत थोड़ी सी मेयोनीज इसमें डाली है जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर। और ये अब ऑयल, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है, अब जब तक ये ऑयल गर्म होता है चलिए हम अपने ब्रेड रोल्स जो है वो रेडी कर लेते हैं। सो मैं ब्रेड किसे आपको इस तरह से पानी में डिप करना है और ये पानी जो है आपको पूरा इसमें से स्क्वीज आउट कर देना है, इसमें जितना भी आपको चिकन चाहिए वो डालोगे और आप इसे रोल कर दोगे। दैट्स इट, अब इसे हम डीप फ्राई कर देंगे। तो ये हमारी यम्मी से ब्रेड रोल्स रेडी हुए हैं, चलिए मैं और इसे आप टमेटो केचप के साथ सर्व करिए, ग्रीन चटनी इसके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। सो हो गए मेरे चिकन।